रोहित शर्मा के नेतृत्व वाली भारतीय टीम ने हांगकांग को एशिया कप 2022 में ग्रुप ए के दूसरे मुकाबले में 40 रन से हरा दिया है। भारत की टूर्नामेंट में ये लगातार दूसरी जीत है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सूर्य कुमार और विराट कोहली के अर्धशतक की बदौलत हांगकांग के सामने 193 रनों का लक्ष्य रखा। इसके जवाब में हांगकांग ने आखिरी तक लड़ाई जारी रखी, लेकिन निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 152 रन ही बना सकी। हांगकांग के लिए बाबर हयात ने सर्वाधिक 41 रन बनाए। भारत के लिए अर्शदीप सिंह, भुवनेश्वर कुमार, रविंद्र जडेजा और आवेश खान को एक एक विकेट मिला। भारत के लिए चिंता का विषय ये है कि स्टार स्पिनर युजवेंद्र चहल दोनों मैचों में विकेट लेने में असफल रहे हैं। बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने पावर प्ले में एक विकेट खोकर 44 रन बनाए। कप्तान रोहित शर्मा 13 गेंद में 21 रन बनाकर कैच आउट हुए। केएल राहुल ने काफी धीमी पारी खेली और 39 गेंद में 36 रन बनाकर आउट हुए। सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली ने इसके बाद कोई विकेट नहीं गिरने दिया और भारत को एक मजबूत स्थिति में पहुंचाया। इन दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 42 गेंदों में 98 रन की साझेदारी हुई। सूर्य कुमार यादव ने सिर्फ 26 गेंदों में 68 रन की दमदार पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 6 छक्के और 6 चौके लगाए। इस बीच विराट कोहली ने भी अर्धशतक जड़ा। वह 44 गेंद में 59 रन बनाकर नाबाद रहे। विराट ने अपनी पारी में 3 चौके और 1 छक्का लगाया।